दोस्तों मेरा नाम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट का खुद का मोड कैसे बनाया जाए। तो माइनक्राफ्ट का खुद का मोड तो बहुत लोग को बनाने को आता है, पर वो सिर्फ टी लॉन्चर से ही बना सकते हैं। तो मैं दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे हम लोग माइनक्राफ्ट का मोड बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबाना ना भूलना। अगर आप बेल आइकन दबाओगे आपको मेरे नए नए वीडियो का पता चल जाएगा। बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा मैं वो क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपने क्रोम पे जाने का है या फिर कौन से ब्राउजर पे जाने का है। और जैसे हमको यहाँ पे क्या सर्च करना, माइनक्राफ्ट मोड्स। माइनक्राफ्ट मोड्स सर्च करते डायरेक्ट हमको एंटर करना है। उस पर एंटर करेंगे फर्स्ट होगा डॉट कॉम आएगा मोड्स माइनक्राफ्ट कर्सॉल, इस पर क्लिक करना है हम लोग को। करते ही यहाँ पे आपको ये डॉट कॉम पे लेकर आएगा और यहाँ से नीचे आना है और आपको आपके ढेर सारे मिल जाएंगे मोड्स। तो आपको कैसा मोड चाहिए आप उसमें देख लेना। तो मुझे जस्ट यहाँ पे कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए वेस्टोन ब्लैक। तो कौन सा पिक्चर आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं अभी यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कौन सा लेना चाहिए। यहाँ पे ऊपर ढेर सारे टाइप्स का मोड है, टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी में फार्मिंग, एनर्जी, जेनेटिक यहाँ पे बहुत है। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकेशन ले लेता हूँ। ऑटोमेटेशन लेते ही यहाँ पर देखिए इतने सारे मोड्स आ गए हैं। तो मैं बैक कर देता हूँ, फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे करने का। तो मैं जस्ट यहाँ पे जर्नी मैप का यहाँ पे मोड है, मैं उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। मतलब तो मुझे ये चाहिए तो मैं उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर चुका हूँ। तो जैसे मुझे क्या जर्नी मैप का मेरा आ गया है, तो जस्ट यहाँ पे मुझे डाउनलोड पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे नहीं, सिर्फ डाउनलोड। तो डाउनलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो ज्यादा टाइम नहीं, कम से कम 2 या 3 मिनट लेगा इसको डाउनलोड होने में। ओके, तो मैंने एक्स्ट्रा एक डाउनलोड कर दिया था। तो जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको ओपन इन फोल्डर करने का है। तो ये मेरे को अपने फोल्डर पे लेकर जाएगा। तो मेरे को जो सेकंड वाला था ना उसको जस्ट क्या करना है, उसको लेकर जाना है और डेस्कटॉप पे रख देने का है। और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेने का है। डेस्कटॉप पे रखते ही हमको यहाँ पे मेरा पूरा क्रोम को कट करने का है और जस्ट हमको यहाँ पे आ जाना है टी लॉन्चर पे। टी लॉन्चर पे क्लिक करते ही हमारा टी लॉन्चर चालू हो जाएगा। और चालू होते मैं आपको एक सेटिंग बताऊंगा, उस सेटिंग के आपका मैप चालू नहीं होगा। मेरा टी लॉन्चर चालू हो रहा है। मैंने टी लॉन्चर के ऊपर एक वीडियो डाल चुका हूँ कि हाउ टू डाउनलोड टी लॉन्चर मोड्स। फिर वो कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग्स जाने का है। सेटिंग्स के अंदर जाते ही हम लोग को यहाँ पे शो मॉडिफाइड उस पर क्लिक कर देने का है। हाँ, फिर हम लोग को यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देने का है। और जस्ट हम कहाँ पे जाना है, फाइल करके लोगो है उसमें जाने का है। और फिर हम लोग को वर्जन पे जाने का, वर्जन पे ओपन करना वो फोल्डर। और फिर मेरे जितने भी मोड्स है वो सब आ गए हैं। तो जस्ट मुझे क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाने का है। तो फोल्डर में मैं नाम अपना रख देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आ गया। तो जस्ट मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है और यहाँ पे टी लॉन्चर को भी मिनिमाइज कर देना है। और ये फोल्डर में हम लोग आरएफ फोल्डर लगाना है। तो आपको जो भी नाम रखना है वो रखिए और जो आपको मोड डाउनलोड किए रहेंगे उसको उसके अंदर डाल के रिफ्रेश कर देना। जब आप उसको कट कर देने का मतलब ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा टी लॉन्चर है तो ये सिर्फ अगर सिर्फ 12 के वर्जन में आएगा। 12 के कौन सा भी आप वर्जन लगाओगे तो उसमें आ जाएगा। तो मैं पे 12.5 ले लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। अगर आप बेल आइकन दबाओगे आपको मेरे नए वीडियोस का पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।